नमस्कार। और इस वक्त हम आपको बता दें, बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव की मतगणना जारी है। 6 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं लखपत सिंह बुटोला 1935 वोट से आगे, यानी 1935 वोट से आगे चल रहे हैं। मंगलौर में भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं काजी निजामुद्दीन 8736 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी जो दोनों सीटें हैं, यानी कि बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों जगह पर इस वक्त तक कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। मतगणना जारी है उपचुनाव की, 6 राउंड की मतगणना हो गई है। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं लखपत बुटोला इस वक्त 1935 वोट से आगे हैं। मंगलौर में भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं काजी निजामुद्दीन इस वक्त 8736 वोट से आगे चल रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अगर हरिद्वार की बात की जाए, यहां पर कितने राउंड अब तक हो चुकी है गिनती, कितने राउंड की? और बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है, यानी कि अभी तो फिलहाल दूर दूर तक कोई टक्कर में दिखाई नहीं दे रहा, और कितने राउंड की गिनती अभी बाकी है? जी, हरिद्वार में 10 राउंड की कुल गिनती होनी है और 7 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। और 7 राउंड की जो गिनती है उसके नतीजे ये हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो लगातार पहले राउंड से लेकर 7वें राउंड तक लगातार आगे बने हुए हैं और अच्छी खासी लीड के साथ आगे चल रहे हैं। हालांकि 6ठे और 7वें राउंड में ये अंतर जरूर देखा गया है कि जो उनकी जो लीड है वो कम हुई है। पिछले राउंड में जो उनकी लीड जहाँ 7,500-8,000 वोटों की थी, अभी वो लीड उनकी अचानक से कम होकर लगभग 4,500 वोटों की हो रह गई है। लेकिन ये भी अभी भी अच्छा खासा अंतर बना हुआ है। इसके अलावा एक और 6ठे राउंड के बाद एक और बदलाव आया है कि जो लगातार भाजपा के जो प्रत्याशी थे करतार सिंह भड़ाना, वो लगातार 3रे नंबर पर चल रहे थे पहले राउंड से, वो 6ठे राउंड के बाद 2रे नंबर पर आ गए हैं। और बसपा के जो कैंडिडेट हैं उबैदुर रहमान, वो खिसककर 3रे नंबर पर पहुंच गए। तो ये एक चेंज हुआ है। जो टक्कर थी वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जो टक्कर चल रही थी अभी तक वो कांग्रेस और बसपा के बीच में चल रही थी, लेकिन अब सीधे 2 राउंड खत्म होने में और कितना वक्त लग सकता है, और नतीजे पूरी तरह से कब तक आ सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से 5वां राउंड जब खत्म हुआ, तो उसके बाद जो वोटों की जो गिनती है उसकी गति काफी तेज यहाँ पर बढ़ गई है। और जो 3 राउंड अभी रह गए हैं, 8, 9 और 10 राउंड रह गए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 घंटे में पूरी तरह से नतीजे सामने आ जाएंगे। जो लीड है वो जरूर कम हुई है, लेकिन अगले 3 राउंड में ये जो बढ़त है, जो करतार सिंह भड़ाना ने बढ़त बनाई है, ये पूरी तरह से बढ़त बना पाते हैं या इस अंतर को पाट पाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जरूर, कांग्रेस के लिए जरूर यहाँ पर राहत वाली खबर है और पूरी तरह से आगे कांग्रेस राहत वाली खबर। चमोली भी इसी तरह की राहत वाली खबर कांग्रेस के लिए आ रही है। नितिन सेमवाल यहां से जुड़े हुए हैं। नितिन, अब तक कितने राउंड की गिनती हो चुकी है, फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि जो खबर मिल रही है वो कांग्रेस के लिहाज से तो बेहद सुखद है। मिल रही है वो कांग्रेस के लिए काफी सुखद खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी जो लखपत सिंह बुटोला है, वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 2,507 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड की जो मतगणना है वो लगभग पूरी हो चुकी है, 8वें राउंड की शुरू है और अब 6 राउंड की मतगणना और रह गई। यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी लगातार प्रत्येक राउंड में लीड करते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर देखा था कि भाजपा को थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा बूथ नहीं दिख रहा है जहां पर कि बीजेपी को वोट मिले हो। लगातार कांग्रेस प्रत्याशी लीड करते जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों जगह पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बद्रीनाथ मंगलौर दोनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस से आगे चल रही है। कहीं पर 6 राउंड गिनती हो चुकी है, कहीं 8 राउंड गिनती हो चुकी है और बहुत जल्दी नतीजे भी आने की संभावना जताई जा रही है।